इसमें पहली बार हमने युवराज का सिमन यूज किया, ठीक है, युवराज सुनारिया, युवराज सुनारिया, ठीक है। उसके बाद हमने अर्जुन कुंगड, अर्जुन कुंगड जी, और बाद में हमने टाइसन, टाइसन जी रोहतक, देवेंद्र कोच साहब के जो है उनका रिजल्ट यूज किया, और उसके बाद एलडीएफ का कोहिनूर, ठीक है जी, यूज किया, ठीक है। इसने तीन चार फीमेल, ठीक है, और एक मेल दिया, चार फीमेल और एक मेल काफ को जन्म दिया है, छठी बार काविंग, अभी छठी बार काविंग करेगी। तो एक बार बताना चाहूंगा दोस्तों, सर ये अर्जुन वाली होगी और वो उधर युवराज वाली होगी और वो उधर है जो टाइसन वाली, तो इन तीनों की बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से। नमस्कार सभी साथियों को, राम राम, दीपक सिहाग बोल रहा हूँ और स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सिहाग मेरा फार्म पर। तो गांव अरनिया वाली जिला सिरसा में आज आप देख पाएंगे जितने हरियाणा के मशहूर फार्म हैं, जिन्होंने ब्रीडिंग की है, ब्रीडर बने हैं अपने आप में, तो उनका आप रिजल्ट यहां पे देख सकते हो। हरियाणा के नहीं कहूंगा, अपने पंजाब के भी जितने फेमस फार्म हैं लगभग सभी के रिजल्ट आपको यहां पे दिखाए जाएंगे। तो बहुत स्पेशल वीडियो होगी मेरे ख्याल से, यूट्यूब पे शायद ही ऐसी कोई वीडियो आई होगी जिसमें एक ही फार्म पे आम किसान के घर पे इतने सारे जो फेमस फार्म हैं उनके बुलों के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत बढ़िया, ओम प्रकाश जी को बार बार सराहनीय जो कार्य करें इनके लिए, नमस्कार, मिलवाता हूं आपको। सर जी नमस्कार। नमस्कार दीपक भाई। तो सर अरनियावाली में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बार बार धन्यवाद सर, बहुत खुशी हुई मेरे को यहाँ पे आके, मतलब इतना अच्छा प्रयास, क्या क्या सोच के साथ चले थे? ऐसा है भाई साहब, YouTube पर बार बार देखते थे भी कितने कितने ब्रीडर बड़े हो गए हैं जी, और जे एक जीरो लेवल से उठकर थोड़ा थोड़ा हमने कदम बढ़ाया, इसलिए इस प्रयास से हमें कामयाबी मिली। ठीक है, ठीक है। और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा अर्जुन कुंगड़ जी, जो हमारे घर पर पैदा हुआ, उसने उस सिमन यूज किया और उसका बढ़िया रिजल्ट हमें मिला जी। जी बार बार धन्यवाद भाई साहब। तो एक बार अपना मोबाइल नंबर भी बताएं, संपर्क सूत्र बताएं। मोबाइल नंबर है 94664, ठीक है, 50308, ठीक है, 99918, ठीक है, 50308, ठीक है। तो ओम प्रकाश भाई जी, मैं कहूंगा भाई अपने आप में एक ब्रीडर से कम नहीं है, क्योंकि इतने सारे पशुधन को पालना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऊपर से ब्रीड वाले पशुधन को पालना तो उससे भी बड़ी बात हो जाती है। तो सर एक बार बता दें आपका ले सूरज कान पकड़ लिया बात देवा देवा दी तुमने सारे भाइय ने बताऊ, अपने पशुओं ने एलडीम पाओ, शमा पे पसाओ और टाइम पर सही दूध पाओ। यह एलडीम ना हरेक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, और ऑनलाइन मंगान खातर अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्रयोग कर सको हो, और जब और भी कम कसर रहेगी हो ना 80595 37000 में फोन कर लियो। एटीएम में कहता हूँ बार बार, जिससे आप नस्ल सुधार कर सकते हैं वो है आपकी ये भैंस, ठीक है। तो आपने किस किस फार्म के यूज किए सारे बता दो एक बार। इसमें पहली बार हमने युवराज का सिमन यूज किया, ठीक है, युवराज सुनारिया, युवराज सुनारिया, ठीक है। उसके बाद हमने अर्जुन कुंगड, अर्जुन कुंगड जी, और बाद में हमने टाइसन, टाइसन जी रोहतक, देवेंद्र कोच साहब के जो है उनका रिजल्ट यूज किया, और उसके बाद एलडीएफ का कोहिनूर, ठीक है जी, यूज किया, ठीक है। इसने तीन चार फीमेल, ठीक है, और एक मेल दिया, चार फीमेल और एक मेल काफ को जन्म दिया है, छठी बार काविंग, अभी छठी बार काविंग करेगी। तो एक बार बताना चाहूंगा दोस्तों, सर ये अर्जुन वाली होगी और वो उधर युवराज वाली होगी और वो उधर है जो टाइसन वाली, तो इन तीनों की बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से। यहाँ से शुरुआत करते हैं सर, छठे लैक्टेशन में अभी कुछ दिनों में होगी, कितने दिन बाकी है लगभग?
इसके दो तीन दिन बाकी है अभी, तारीख आज होगी 13 तारीख, 13 तारीख 13 अगस्त की 16 को लगेगा इसको। ठीक है ठीक है, 16 तारीख को इसके दिन पूरे हो जाएंगे। ये देख सकते हैं भाई, हाइट लेंथ बहुत बढ़िया है, छठे इलेक्ट्रिशियन में होगी, लेकिन कद काठी और जो इसकी चंचलता मैंने देखी लग नहीं रही थी भाई, इतनी थकावट में महसूस नहीं हो रही है, बिल्कुल तंदुरुस्त और स्वस्थ भैंसों में इसकी गिनती होती है। दीपक भाई ये जी पहली HLDB की भैंस जो अरनिया वाली में लगी थी, ठीक है, और कुछ साथियों ने मैं प्रस्थान किया कि आप इसको लगवा दिखाएं, अगर कोई प्रूफ है तो आपके पास दिखाएं एक बार। तो ये देख सकते हैं जो बिल्कुल जो मैदान खाली रहता था उसमें पहली बार जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अरनिया वाली गांव में पहली बार किसी भैंस ने दूध तुलवा कर दिखाया था। यहां पे स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है HLDB दूध 19 किलो 100 ग्राम प्रतिदिन का 9 तारीख 12वें महीने 2019 में रिकॉर्डिंग हुई थी। तो सर कितनी भैंसें लगी थी या कैसे ये प्रथम भैंस थी अरनिया वाली की, इसके बाद में एक भैंस और लगी है, ठीक है, और यहाँ से 2 किलोमीटर इस निवास में कितने पशुधन थे इस कंपटीशन में? इस कंपटीशन में अकेली थी ये, अकेली थी, ठीक है जी। तो लगभग कितना दूध ये देखिए, लगभग 19 किलो 100 ग्राम, कितनी धनराशि मिली थी उसको? 15,000 रुपए देकर सम्मानित किया राज्य सरकार ने। ठीक है ठीक है, तो पहली ही भैंस थी जो अरनिया वाले की ऐसा कंपटीशन दिखाया हो जिसने इतना दूध निकाला हो, ये पहली भैंस थी। और यहाँ से हम दाणियों में रहते हैं और वहाँ गाँव में इसको 2 किलोमीटर पैदल चला कर लेकर गए थे, ठीक है, फिर वापस लाते थे, घर पर तो आमतौर पर 20-21 किलो देती है, ठीक है, हाँ, ऑन रिकॉर्ड होगा वही माना जाएगा। जी 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 बिल्कुल स्पष्ट बात की भाई साहब ने, ये नहीं कहा कि और ज्यादा दूध है भाई, 20-21 किलो दूध घर पे देती है, 19 किलो रिकॉर्ड करवाया। ये देख सकते हैं अडर की अगर आप क्षमता देखें तो शायद आप अनुमान नहीं लगा सकते, इधर करें सर एक बार, तो आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि इसका इतना दूध होगा। लेकिन भाई साहब ने बताया कि लास्ट के कुछ क्षणों में यानी कि लगभग 36 या 72 घंटे के अंतराल में ये भैंस अपना जो पूरा पिक कार्ड रहे वो दिखाती है। ये देखिए अभी तो शायद टाइम ज्यादा ले ले अपनी बार काफी ज्यादा बढ़िया सही है। जी 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 तो ओम प्रकाश भाई पिछली बार कितना दूध दिया 5वें इलेक्ट्रिशियन में इसने? 19 किलो दूध दिया इसने। अच्छा ये 5वें ब्यांत की इलेक्ट्रिशियन की रिकॉर्डिंग थी जो ये रिकॉर्डिंग है तीसरे की। अच्छा ये तीसरे की टाइसन की वो ठीक है ठीक है वो कटड़ी इसके नीचे थी। ठीक है ठीक है, तो अभी 5वें ब्यांत में कितना दिया था लगभग? 19 किलो दूध दिया। ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया, अभी लगभग कितनी उम्मीद है निकाल देगी? कितना? 20 किलो आराम से निकाल देगी। 20 किलो निकाल देगी पूरी हल्दी पड़ी है कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बोल दिया कि छठे ब्यांत में या दूसरे तो तीसरे भी बोल सकते थे। ठीक है ठीक है बिल्कुल तीसरे बता सकते थे। ये देखो जी अर्डर वगैरह काफी अच्छे, थनों का जो आकार है जो लेंथ है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि लैक्टेशन बड़ा हो जाता है और चौवाई हर्ब मिल्किंग करते हैं भाई कोई ज्यादा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत बढ़िया है गैप में बहुत बढ़िया है और ये देखिए काफी तंदुरुस्त भैंस। तो सर इससे कौन सी आपने पैदा करवाई है सबसे पहले कटड़ी वो दिखाइए एक बार। ये देख सकते हैं जी हाइट लेंथ काफी अच्छी है और युवराज की है जी। ठीक है युवराज सुनारिया जिस बुल ने काफी डंका बजाया था पूरे वर्ल्ड में मुड़रा का। जी सर बताएं पहले ब्यांत में दिया 12 लीटर 12 लीटर ठीक है जी। अब ये चौथे ब्यांत में तूफान कुंगड़ का इसके पीछे कटड़ा है। ठीक है तूफान कुंगड़ का इसके नीचे कटड़ा है तो ये देख सकते हैं 10 दिन की ब्याई हुई है। ठीक है 10 दिन की ब्याई है ठीक है ठीक है। तो ये देख सकते हैं भाई युवराज सुनारिया की जोटी है और पहले मात में लगभग 12 किलो दूध दिया है। अभी चौथे टाइमर भी आई है सर जी। हाँ जी ठीक है चौथे टाइम भी आई है। नीचे तूफान कुंगड़ का कटड़ा है ये देख सकते हैं, इसकी भी काफी अच्छी हाइट लेंथ है। तो सर पहली बार आपने ये घर कटड़ी पैदा हुई थी तो कभी सेल करने की भाई मन में आई हो या फिर आगे कर रहे हो इसको? ये सेल करने की मन में तो नहीं आई, मेरे सोचते रहे कि भी कहीं मेले में कोई जीते। ठीक है इसलिए हम 2018 में जगराओं भी गए थे। ठीक है लेकिन वहां जाने के बाद इसी पता चलता है धीरे धीरे। जी जी तो पहली बार गए थे आप जगराओं? पहली बार गए थे 2018 की कटड़ी को लेकर 2018 में। ठीक है ठीक है तो वहाँ बात नहीं बनी? बात तो नहीं बनी लेकिन सीखने को कुछ बहुत कुछ सीखने को मिल गया। जी 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 तो ये देख सकते हैं भाई इसके बाद कौन सी कटड़ी आई थी? ये अर्जुन कुंगड़ की। ये देखिए यहाँ पे कुछ अलग सा सिस्टम मेरे को नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ रिबन वगैरह जो चमक एक सम्मान होता पशुपालक का वो जरूर मिला। तो सर बताएं कौन से इलेक्ट्रिशियन में फिलहाल? ये दूसरे इलेक्ट्रिशियन में अभी ब्याएगी आगे? ब्याएगी। कितने दिन बाकी है? एक महीना समथिंग बाकी है। एक महीना समथिंग बाकी है और दूध कितना निकाला सर?
पहले दांत में इसने निकाला है 15 लीटर। 15 लीटर दो दांत पे आ गई थी, आधा दांत पे आ गई थी, कैसे थी? दो दांत पे आई थी। अच्छा, दो दांत पे आ गई थी, ठीक है। तो दो दांत ये कटड़ी ब्याह चुकी थी भाई, और बताया भाई साहब ने लगभग 15 लीटर दूध इसने दिया है। सर हाइट लेंथ तो मेरे ख्याल से माँ से बहुत अच्छी लेगी है, और अगर उनकी अपेक्षा उस युवराज वाली की अपेक्षा बात करें तो इसकी भी हाइट लेंथ ज्यादा है। और कंपटीशन में कहाँ कहाँ लेगी ये भी बताएं। कंपटीशन में पहले ले गए थे ढाबी किला। कोई प्रूफ है? प्रूफ है हमारे पास जी, बताएं सर, क्योंकि वो दिखाने जरूरी हैं ताकि पता चले, संतुष्टि हो कि हाँ भाई वहाँ पे गए थे। तो ये देख सकते हैं ढाबी कला, काफी अच्छा कंपटीशन रहा था, तृतीय स्थान पर ये देख सकते हैं आप, जो ओम प्रकाश जी है इनका नाम मेंशन किया गया है, और 435 इसका टैग नंबर हुआ करता था। दो दांत जोड़ी यहाँ पे आप देख सकते हैं, लगभग मेरे ख्याल से 8 मार्च 2021 को ये हुआ था। ठीक है सर, बताए ये देख सकते हैं, ये वही की है ढाबी की? ठीक है जी, ये भी ढाबी की, काफी अच्छी। तो ढाबी लेके गए थे, क्या लगता था आ जाएगी करड़ी, क्या मन में थी? घर से तो शंका ही होती है अभी जी, पहली बार 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 जाते हैं और खाली हाथ वापस आ जाते हैं। एक आम किसान को किराया भी देना पड़ता है जी जी, और बड़ी जूझ जी, बिल्कुल जूझना पड़ता है। प्रयास भी बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर कभी पशु भी अपना पूरा प्रयास दिखाता है। तो सर अब की बार दूसरी बार डिलीवरी देगी तो क्या लगता है कितना दूध निकाल देगी लगभग औसतन? सर ऐसे लगता है 20 किलो तो आराम से निकाल देगी। 20 किलो, ठीक है ठीक है। तो आगे सेल करोगे इसको? वो मौके पर देखेंगे सर। ठीक है, मौके पर देखोगे, ठीक है। तो माँ से तो माँ से तो काफी अच्छी मेरे ख्याल से बहुत प्लस गई है ये। सर काफी ज्यादा है आईडी। ठीक है ठीक है। अगर तीसरे ब्याह की बात की जाए तो वो कटड़ी दी इस भैंस ने, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं, ये देखो जी क्या ला भाई साहब, बढ़िया, काफी लगता है काफी लाडली आपकी। हाँ, जी जी बिल्कुल, काफी अच्छे पसंद कर रहे हैं। तो सर बताएं इसकी भी काफी अच्छी ब्यूटी है, दो दांत है या चार दांत? दो दांत है सर, ये दो दांत है, ठीक है। दूध कितना निकाला सर फर्स्ट? 13 किलो। 13 किलो, ठीक है, 13 किलो। बाप बता दें एक बार, बाप है इसका टाइसन बुल। टाइसन जो देवेंद्र कोत्साह रोहतक से हैं, काफी अच्छे ब्रीडर। तो मैंने बताया था भाई हरियाणा के जितने फेमस फार्म है ना उनके सारे के सारे रिजल्ट यहीं मिलेंगे। तो टाइसन की कटड़ी है देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये भी काफी अच्छे थन वगैरह, बहुत अच्छी कटड़ी है, और सींग वगैरह भी ये देख सकते हैं थोड़ा इस साइड से, लेकिन सर्कल है, काफी अच्छी बनेगी। सर हाइट लेंथ में कौन सी ज्यादा लग रही है आपको? ये अर्जुन वाली सबसे ज्यादा, अर्जुन वाली ज्यादा, ये थोड़ी मीडियम रहेगी है ना, इसकी मेरे ख्याल से इससे भी कम है। जी जी जी, और ये युवराज वाली की भी ठीक हाइट लेंथ थी, लेकिन इसकी और भी अच्छी गई। तो सर कितने साल हो गए लगभग आपको ये? सर जब युवराज की फेमस हुआ था अभी 1000 रुपए का सीमेंट मिलता है, उस टाइम कंपटीशन हो गया, हरेक किसान के भी वहाँ जाए, वहाँ सीमेंट लगाए, वहाँ जाएंगे, हमारे घर भी युवराज पैदा होगा। जी जी, ऐसी ऐसी बातें सुनकर फिर हमने युवराज का सीमेंट यूज किया, उस टाइम 1000 रुपए का मिला था। बोलो 1000 रुपए का? 1000 रुपए का, ठीक है जी। बार बार फिर यूट्यूब पर देख देख कर थोड़ा थोड़ा सीख गए। ठीक है ठीक है, लेकिन वहाँ पे आपको संतुष्टि नहीं हुई, कहीं इनाम नहीं मिला जो एक सम्मान होना चाहिए था। ठीक है ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर पवन भी है जी, जो जी। भी ये सारा ये का काम हमारा संभालते हैं। ठीक है ठीक है, यहाँ आए हुए। ठीक है ठीक है, आ जाओ डॉक्टर साहब एक बार, आप भी आओ। तो डॉक्टर साहब भी आए भाई, बताया सर ने ओम प्रकाश जी ने, लगभग पिछले 10 से 12 सालों से आप यहाँ पे हैंडल कर रहे हो सारा काम यहाँ के क्षेत्र का। तो सर अपना परिचय दें एक बार। पवन कुमार कसवा। पवन कुमार जी, ठीक है। तो पवन जी आपसे पूछना चाहूंगा किस प्रकार नस्ल सुधार हो रहा है इस एरिए में, बताएं एक बार। कुछ फार्मर है जो इच्छा रख रहे हैं अपने पशु सुधार हो, ठीक है। ज्यादातर अभी भी इस एरिया में वही है, पशु ब्याह जाने चाहिए, ब्याह जाने चाहिए। पर कुछ ओम प्रकाश है, इधर भीम है, ठीक है, गांव में है एक विजय बराड़ा है, 5-10 फार्मर है जी, जो अच्छे नस्ल अपने घर तैयार कर रखी है, ठीक है। भैंस के पहले ये मिल्किंग, ठीक है। जब ये गांव में भैंस पहले दिन गए तो कुछ लोग कहते हैं ये आया है मिल्किंग करवाने, लेकिन लगी थी जी जी बिल्कुल। 4 किलोमीटर इसके चोट भी लगी थी टेप्पो में उतारते भरिया, ठीक है, फिर भी उसने दूध अच्छा मिल्किंग, 19 किलो बहुत हो जाता है दूध, अच्छा दूध। जी 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 जी, अब ये युवराज की इससे उम्मीद है, ठीक है, ये अर्जुन वाली, बहुत बढ़िया अर्जुन, ठीक है ठीक है, अर्जुन वाली से उम्मीद है, ठीक है, ये अच्छा करेगी। तो क्या कहना चाहोगे जो पशुपालक लग रहे हैं? मैं तो ये कहता हूं सिमल लोगो, बढ़िया क्वालिटी का लोगो, ठीक है। तो अपनी गारंटी रहती है भाई, हाँ ये ओरिजिनल होगा? ओरिजिनल, हम सिमन है जो अगले फार्मर को जब भी प्रकाश भाई के लगाते हैं तो हम ओरिजिनल सिमन उसको देके जाते हैं, सबूत होना चाहिए, सबूत, क्योंकि डॉक्टर साहब एक भगवान का रूप हो आप, और किसान जो है आपसे बड़ी उम्मीद रखते हैं सभी डॉक्टरों से कि वो नस्ल सुधार। आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी ओरिजिनल ही ओरिजिनल लगे, ओरिजिनल ही
ठीक है, जो बच्चा वो हुंगड़ वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है ठीक है, तूफान वाला, तूफान जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, ऐसे ही काम करते रहो और ऐसे ही नस्ल सुधार करते रहो। तो ये देख सकते हैं भाई, यहाँ की ये अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, इसका पार्ट टू लेकर आऊंगा, जिसमें और जो पंजाब के अच्छे मुर्रा फार्म है उनकी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो मैंने पशुधन बताया, अगर इनकी हाइट लेंथ की बात की जाए, एक बार साथ में खड़े अभी करवा देते हैं।